शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार? अगर मैं होता ना, बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर्स बोर्ड पर लोएस्ट एंट्री फी में। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से खेलें और अपनी रिस्क पे खेलें। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज से एक्शन का आगाज है भाई। सीरीज तो चली रही थी, भारत ने 3-1 से टेस्ट मैच जीत लिए थे, लेकिन एक्शन तो आज से शुरू होगा क्योंकि दुनिया की नंबर एक T20 टीम, दुनिया की नंबर दो T20 टीम, ये आपस में भिड़ेंगे। 5 मुकाबले हैं, आज पहला मुकाबला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। और ये ना भूलें कि दोनों टीमों के लिए ये वर्ल्ड T20 के प्रिपरेशन का आगाज भी है, क्योंकि भारत के कप्तान ने कल बोल दिया था कि भाई यहां से न्यू टीम इंडिया दिखेगी। इंग्लैंड के लिए दिक्कत यह है कि वो टेस्ट सीरीज हारे थे, लेकिन नए खिलाड़ी आए हैं, वो हार का एक्सेस बैगेज लेकर नहीं आए। तो अगले आधे घंटे मेरे साथ रहिए, मेरे साथ दो खास मेहमान रहेंगे, सुनील गावस्कर रहेंगे, मदन लाल जी भी रहेंगे। टॉस किसी वक्त भी हो सकता है, लेकिन पहले तो ये देख लें कि ये सीरीज भारत के लिए क्या लेकर आएगी। तो टॉस हो चुका है जी, सिक्का ऑन मॉर्गन इंग्लैंड के कप्तान के पक्ष में गिरा है, यानी कि इंग्लैंड टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करेगा। अच्छा, ये हुआ क्या है ना कि इंग्लैंड का भी ये एक ट्राइड एंड ट्रस्टेड फॉर्मूला है कि वो भी चेज करना चाहते हैं, हालांकि भारत भी चेज ही करना चाहता है। और जो भारत की T20 की गेम में दिक्कत थी वो पहले बैटिंग करके ही थी, क्योंकि आप जब चेज करते हैं आपको पता है कि किस ऑर्डर पर, किस पेस पर खेलना है। लेकिन पहले जब भारत बैटिंग करता है तो दिक्कत आती है कि क्या रन बनाए जाए जो कि काफी है। तो आज यही सवाल रहेगा सनी भाई से। सबसे पहला सवाल तो ये है कि सनी भाई, भारत बैटिंग कर रहा है, पहले भारत की ये कमजोरी रही है, लेकिन ये सीरीज ऐसी बैकड्रॉप में खेली जा रही है जहां पर इंग्लैंड भारत से बुरी तरह टेस्ट मैच हारा है, क्या इस सीरीज में मुकाबला देखने को मिलेगा? देखिए, ये सीरीज तो मुझे लगता है कि मतलब नेक टू नेक जाएंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि दोनों टीमों के पास बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी, खास करके दोनों टीमों के पास इतने अच्छे बल्लेबाज हैं कि हमें शायद चौके छक्के बहुत ज्यादा देखने मिलेंगे इस श्रृंखला में। और इसलिए ये जरूरी है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए किसी टीम को, इंग्लैंड को कॉन्फिडेंस चाहिए या भारत को कॉन्फिडेंस चाहिए, तो ये श्रृंखला जीतना जरूरी है, और खास करके भारत को, क्योंकि भारत 2007 के बाद में जब महेंद्र सिंह धोनी ने पहली बार कप्तानी की थी और वहां पे हमने विश्व कप जीता था, उसके बाद में भारतीय टीम ने T20 में इतनी खास प्रदर्शन, इतना खास प्रदर्शन किया नहीं, तो ये इसलिए ये श्रृंखला बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और सनी भाई, दोनों टीमों के लिए भी है ना, दोनों टीमों ने वर्ल्ड T20 के लिहाज से भी देखना है, एक तो फॉर्मेट के लिहाज से देखना है, एक आपने इन कंडीशंस के लिहाज से देखना है। आज कह रहे हैं कि विकेट बहुत अच्छा है और इंग्लैंड अपनी टीम में तेज गेंदबाज रखे हैं, तेज गेंदबाजों के साथ गए हैं वो, यानी कि पेस के साथ गए हैं। भारत की दिक्कत है भारत की बल्लेबाजी। कल विराट ने बोला कि अब हम भी तोड़फोड़ मचाने के लिए तैयार है, यानी कि जो फॉर्मूला इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का हुआ करता था, अब भारत समझ गया है कि उस पर आपको अमल करना होगा अगर T20 में आपको बड़े टूर्नामेंट जीतने हैं। देखिए, हर एक गेम में, हर एक फॉर्मेट में इंप्रूवमेंट की तो जरूरत होती है, क्योंकि वही तो होता है, उसी से तो आप बड़े मतलब ग्रेट टीम बनते हैं। और बिल्कुल, शायद जो पहले 6 ओवर में जिस तरह से भारतीय बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो शायद अभी 40 रन बना रहे, 35 रन बना रहे, शायद ये सोचना होगा कि जब वो फील्ड रिस्ट्रिक्शन होती है और सिर्फ 2 फील्डर होते हैं 30 मीटर रेखा के बाहर, तो पहले 6 ओवर में शायद 60-70 रन होने चाहिए, इस तरह की कोई सोच होनी चाहिए, इस तरह का कोई तरीका ढूंढना चाहिए। तो शायद अगर वो होता और कंसिस्टेंटली होगा तो भारतीय टीम को हराना बहुत मुश्किल बनेगा। चलिए मैं आपको टीम बता दूं, सबसे पहले मैं भारत की टीम बता दूं। थोड़ा सा हैरानी वाली बात है, क्योंकि कल विराट ने कहा था कि ओपन करेंगे केएल राहुल और रोहित शर्मा, लेकिन रोहित शर्मा को आज आराम दिया गया है। ये भारत की टीम है, आपको मैं फटाफट आज तक पर बता दूं, जो टीम है वो है, विराट कोहली कप्तान है, केएल राहुल और शिखर धवन ओपन करेंगे, शिखर धवन और केएल राहुल ओपन करेंगे, रोहित शर्मा को आराम दिया गया है, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर दोनों खेल रहे हैं, हार्दिक पंड्या खेल रहे हैं, वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, भुवनेश्वर कुमार और चहल, यानी कि भारत 3 स्पिनर्स खिलाएगा, अक्षर पटेल, सुंदर, चहल और 2 तेज गेंदबाज शार्दुल और भुवनेश्वर कुमार। लेकिन बड़ी खबर यह है कि रोहित शर्मा को आज आराम दिया गया है, और उम्मीद के मुताबिक जो सोचा जा रहा था कि आज भारत सूर्य कुमार यादव को खिलाना चाहेगा, ऐसा भी नहीं हुआ। तो श्रेयस अय्यर टीम में है,
श्रेयस अय्यर टीम में है, ऋषभ पंत टीम में है, हार्दिक पांड्या है, ऊपर से शिखर और केएल राहुल ओपन करेंगे, विराट टीम खेलेंगे, रोहित शर्मा को आराम दिया गया है। तो तीन स्पिनर्स के साथ भारत उतर रहा है। अक्षर पटेल खेल रहे हैं, सुंदर खेल रहे हैं और चहल भी खेल रहे हैं, भुवनेश्वर और शार्दुल ठाकुर भी खेल रहे हैं। मदन जी, थोड़ी हैरानी हुई आपको सुनकर कि रोहित शर्मा को पहले मैच में आराम? हाँ बिल्कुल, थोड़ी सी हैरानगी तो जरूर हुई है क्योंकि मैं हम सब सोच रहे थे कि शायद रोहित शर्मा खेले, पर मेरे विचार में पांच 2020 के मैचेस हैं तो शायद उसको रेस्ट करा दिया गया हो। पर यह है कि सडनली जो भारतीय टीम जो है वनडे की काफ़ी अच्छी लग रही है, यू नो अगर ऊपर से भी एक्सप्लोसिव बैट्समैन है उनके पास और नीचे अगर आप हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत और विशेष सुंदर को देखें तो वो भी उनके पास भी ऐसी क्षमता है कि जो कि बड़ी तेज़ी से रन बना सकते हैं। हाँ, देखने वाली बात है कि दोनों टीमें जो हैं नंबर वन और टू पे हैं और दोनों टीमों में अगर आप किसी की तुलना नहीं इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि 2020 में प्रेडिक्ट करना भी बड़ा थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर एडवांटेज जरूर रहेगा भारत को क्योंकि भारत तीन स्पिनर से खेल रहा है। ये विराट कोहली ने थोड़ा सा नई रणनीति बनाई है, वो देखना चाह रहा होगा कि स्पिनर जो है 2020 में कैसा प्रदर्शन कर सकते। चहल को तो उन्होंने देखा ही है पर अक्षर पटेल और विशेष सुंदर का वो देखना चाहेंगे कि कैसे वो सिचुएशन को हैंडल करते हैं। मदन जी, लेकिन ये भी देखना होगा कि भारत जो है वो पहले बैटिंग करेगा, यानी कि इंग्लैंड की ताकत चेस करना है, और अगर आपने तीन स्पिनर्स खिलाए तो आप ये भूल रहे हैं कि शाम को वहां पर ओस गिर सकती है, यानी कि जैसे जैसे मैच बढ़ेगा जब भारत की गेंदबाजी आएगी तीन स्पिनर्स यानी कि ड्यू फैक्टर रहेगा, ये नुकसान हो सकता है। तो ये है भारत की 11, मैं आपको दिखा दूं। विराट कोहली है, ओपन करेंगे केएल राहुल और शिखर धवन, रोहित को आराम दिया गया है, श्रेयस अय्यर टीम में है, ऋषभ पंत है, हार्दिक पांड्या है, हार्दिक से उम्मीद है कि ये थोड़े बहुत गेंद भी करेंगे, और भारत ने तीन स्पिनर्स खिलाए हैं, अक्षर पटेल है, चहल है और वॉशिंगटन सुंदर है, और दो जो तेज गेंदबाज हैं वो हैं शार्दुल ठाकुर और भुवनेश्वर कुमार। तो ये है टीम जो आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है। थोड़ा सा जैसे मैंने कहा चौंकाने वाली बात यह है कि रोहित को पहले मैच में आराम दिया गया है। कुछ सवाल ये भी होते हैं कि क्या शिखर धवन अभी भी आपकी T20 टीम के सेंट्रल फिगर हैं? मतलब अगर शिखर धवन, रोहित शर्मा, ये दो सलामी बल्लेबाज वनडे की तरह इसमें है तो फिर केएल राहुल कहाँ बैटिंग करेंगे? और फिर बात वहीं आ जाती है जो कल विराट ने कहा था, तोड़फोड़ मचाने वाली, और तोड़फोड़ कौन मचाएगा? तो सनी भाई, अब सवाल ये भी है कि आज भारत ने बेस्ट 11 तो शायद नहीं उतारी, जब रोहित शर्मा को आराम दिया गया वो बेस्ट 11 नहीं हो सकती, तो इस सीरीज को आप नतीजे के लिहाज से देखते हैं या आप इस लिहाज से देखते हैं कि चलो यार हर खिलाड़ी का रोल देखें पहले क्या क्या है, उसके बाद वर्ल्ड T20 की तैयारी भी करनी है? देखिए, जितने ज्यादा मैचेस आप खेलेंगे वो आपके लिए आपका अनुभव बढ़ाती है, आप हर एक सिचुएशन से किस तरह से आगे जाना है, किस तरह से कभी कभी थोड़ा सा रोक कर खेलना है, वो आपको सिखाती है। तो मुझे लगता है कि ये जो पांच मैच की जो श्रृंखला है उससे बहुत ज्यादा अनुभव आएगा, भारतीय सिलेक्शन कमेटी को यह अंदाजा आएगा कि कौन अच्छी तरह से सूट होता है आगे जाकर, और आगे जाकर भी कुछ मैचेस होंगे T20 के मैचेस, ऐसा नहीं कि ये एक ही श्रृंखला है, वर्ल्ड T20 तो अक्टूबर में है तो उसके पहले कुछ मैचेस होंगे। तो मुझे लगता है कि ये मैच, हाँ बिल्कुल, जैसे कि वहां से हमें पता चलेगा कि 10-11 जने इस श्रृंखला के बाद में हमें होगा कि ये 10-11 जने हैं वो पक्के हैं वर्ल्ड T20 के लिए। चलिए, भारत की पहले बल्लेबाजी है, टॉस इंग्लैंड ने जीता है, लेकिन भारत की 11 मैंने आपको दिखाई थोड़ी देर पहले, रोहित शर्मा को आराम दिया गया है, श्रेयस अय्यर भी खेल रहे हैं। अब सवाल यह है कि भारत और इंग्लैंड का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो वो क्या है, भारत और इंग्लैंड का रिकॉर्ड क्या है? 7-7 मुकाबले दोनों ने जीते हैं, ये एक टीम है इंग्लैंड की नंबर एक दुनिया में, दूसरी टीम भारत के नंबर दो है। अगर ये पिछले साल वर्ल्ड T20 ऑस्ट्रेलिया में होता तो हर कोई कह रहा था कि इंग्लैंड सबसे बड़ा फेवरेट था, लेकिन अब चूंकि वो भारत में हो रहा है तो लोग कह रहे हैं नहीं, प्रबल दावेदार भारत भी हो सकता है कंडीशंस के लिहाज से। अच्छा, हालिया जो रिकॉर्ड है, जिस कहते ना कि आप मोस्ट रीसेंट देखते हैं, जब आप अपना फोन भी देखते हैं तो देखते ना कि लास्ट आपने कॉल किसको किया, 5 मैच जो इन्होंने हाल फिलहाल में खेले हैं 4 हिंदुस्तान की टीमें जीते हैं, 1 इंग्लैंड ने जीता है, और इंग्लैंड के लिए शायद एडवांटेज ये है कि वो टॉस जीत के चेज करना चाहेंगे, विकेट हार्ड है, ठोस है, वो तेज गेंदबाजों के साथ गए हैं, अगर उनको शुरुआती झटके मिल जाए तो फिर इंग्लैंड को एडवांटेज हो सकता है।
अब विराट कोहली के नाम कुछ रिकॉर्ड्स भी आने वाले हैं। 72 रन दूर हैं वो सबसे तेज, सबसे ज्यादा 3000 T20 रनों के, यानी कि विराट के लिए न सिर्फ एक ये रिकॉर्ड है 72 रन का, बल्कि 72 रन की वो पारी खेलेंगे तो आप शायद मैच भी जीत जाएंगे। लेकिन उनको 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 ये भी है कि देखना होगा कि अब टीम को चलाना कैसे, क्योंकि कल खुद कप्तान ने माना इस बात को कि भाई हमें वो तोड़फोड़ वाली बैटिंग चाहिए, हम वो जो पहले एक फॉर्मूला होता था 6 ओवर में 45 रन विकेट ना गिरे, नहीं हमें तो पहले 6 में 60 चाहिए, भले हमारे 2 आउट हो जाए 3 आउट हो जाए। तो सनी भाई वही मेरा आपसे सवाल है, चूंकि भारत ही पहले बैटिंग कर रहा है और यही भारत की कमजोरी है, सामने इंग्लैंड है जो चेज बड़ा अच्छा करता है, कितने रन देखते हैं आप? मुझे तो लगता है कि जब पहले बैटिंग करते हैं तो अगर दबाव डालना है ऑपोजिशन पर तो कम से कम 160 रन करने होंगे, 160 के नीचे करेंगे तो फिर थोड़ा सा दबाव कम हो जाता है ऑपोजिशन पर। 150-160 की जब आपकी टोटल बनती है तो फिर आप ये चैलेंज देते हैं ऑपोजिशन को कि 8 रन की जो एवरेज है वो मेंटेन करें, और वो आसान नहीं बनता। तो सनी भाई कह रहे हैं 160 के लिए जाओगे तो 180 भी बन सकते हैं, क्योंकि शुरुआत आपकी अच्छी हो गई तो आपके पास ऋषभ पंत आज T20 में दिखेंगे, हार्दिक पंडे आपको दिखेंगे। देखना यह है कि भारत रन कितने बनाता है और इंग्लैंड जैसी टीम के लिए रन कितने काफी होंगे। तो अब हमारा आपसे जो अगली मुलाकात आज तक पर होगी वो रात को होगी 10:15 बजे 10:30 बजे जब मैच खत्म होगा, उम्मीद है भारत की जीत के साथ। लेकिन जब भारत की पारी खत्म होगी हम और आप मिलेंगे हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर, मिड इनिंग शो लाइव स्पोर्ट्स तक पर होगा, लेकिन आज तक पर खबरें चलती रहेंगी। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।